मैं डॉक्टर साइमा किरण हूँ, मैं कंसल्टेंट गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। अभी SCO की तरफ से ये एक नई फैसिलिटी रिमोट एरियाज के लिए गिलगित बल्तिस्तान के शुरू हुआ है टेलीमेडिसिन का, तो ये हमारे इलाके की जो ज्योग्राफिकल एरियाज कुछ हैं, स्पेशली शिमशाल हो गया, अस्तोर के कुछ एरियाज हैं या यासीन हैं जो कि ईजली एक्सेसिबल नहीं होती है विंटर्स या ऐसे कुछ मखसूस सीजन्स में, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा इन्होंने एक फैसिलिटी स्टार्ट की है। तो इंशाल्लाह इससे हमारे इलाके के लोगों के लिए, स्पेशली ऐसे पेशेंट्स जो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं, तो उनके लिए इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। मैं डॉक्टर शफकत आरा हूँ, सीनियर चीफ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट। आज जो हमारे हॉस्पिटल में SCO अलॉन्ग विद शिफा के साथ जो एक टेलीमेडिसिन का डिमॉन्स्ट्रेशन देने आए हैं, और ये हमारे एरिया के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा, फ़ायदेमंद होगा। इस तरह के सर्दियों में ड्यू टू वेदर और एरिया की जो हमारी एक्सेसिबिलिटी है टूअर्ड्स हॉस्पिटल बहुत पुअर है, उस वजह से ये जो टेलीमेडिसिन की थेरेपी शुरू कर रहे हैं कंसल्टेंट के साथ या GPs के साथ, ये बहुत फ़ायदेमंद होगा इन आगे जब कंसल्टेंट्स को भी लेंगे। अभी फ़िलहाल आप GPs को ले रहे हैं, तो SCO का ये बहुत अच्छा एफर्ट होगा टुवर्ड्स हमारे एरिया के लोगों के लिए, पुअर पीपल जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं सेकेंडरी केयर लेवल तक आने के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा इकदाम किया जा रहा है SCO की तरफ से।